लॉ ऑफ टॉट्स में जो हमारा चैप्टर हम कर रहे थे प्रतिनिधिक दायित्व, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको डेफिनेशन करवाई कि प्रतिनिधिक दायित्व क्या है, दायित्व के आधार क्या थे और दायित्व कैसे उत्पन्न होता है। तीन जो मेन पॉइंट्स थे कि अनुसमर्थन द्वारा, विशेष संबंध द्वारा और दुष्प्रेरण द्वारा प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न होता है। आज प्रतिनिधिक दायित्व के सेकेंड पार्ट में हम स्वामी और सेवक का संबंध कैसे होता है, किस तरह से उत्पन्न होता है, किस तरह से स्वामी का दायित्व होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले मैं एक बार और बता देती हूँ कि प्रतिनिधिक दायित्व क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए दायी होता है तो उसे हम प्रतिनिधिक दायित्व कहते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिनिधिक दायित्व में स्वामी और सेवक का संबंध का जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है और ज़्यादातर केसेस स्वामी सेवक के संबंध पे ही प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सामने आती है कि कब सेवक अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए, अपने द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए, जब सेवक करता है कोई अपकृत्य तो उसके लिए कब स्वामी दायी होगा। तो इसके लिए दो शर्तें होनी ज़रूरी हैं पूरी, कि एक तो सेवक और स्वामी का संबंध होना चाहिए और दूसरा जब सेवक अपकृत्यपूर्ण कार्य कर रहा है तो वह नियोजन के दौरान होना चाहिए, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर नियोजन के दौरान, यानी कि जो कार्य उससे सौंपा गया है उस कार्य के दौरान अगर वो अपकृत्यपूर्ण कार्य कर रहा है, वह अपने उस सर्विस के दौरान कार्य कर रहा है अपकृत्यपूर्ण कार्य, तो ही स्वामी दायी होगा, नहीं तो स्वामी दायी नहीं होगा। तो जब अब दो पॉइंट्स है कि स्वामी और सेवक का संबंध होना चाहिए और नियोजन के दौरान होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामी और सेवक का संबंध कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि सेवक का मतलब क्या होता है। सेवक किस व्यक्ति को सेवक कह सकते हैं, सर्वेंट किस व्यक्ति को कह सकते हैं। तो सर्वेंट एक ऐसा व्यक्ति होगा, यानी सेवक एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के द्वारा अपने लिए कार्य करने हेतु नियोजित किया जाता है, यानी कि किसी अन्य द्वारा नियोजित किया गया व्यक्ति सेवक होगा। और वह सेवक कार्य करने के ढंग के संबंध में अपने स्वामी के नियंत्रण में होता है, यानी कि कार्य कैसे करना है, कार्य करने का ढंग, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि कार्य करने के ढंग के संबंध में अपने स्वामी के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पॉइंट आता है कि नियंत्रण के अधीन होता है, यानी स्वामी के नियंत्रण के अधीन होता है। तो स्वामी का नियंत्रण कब माना जाएगा, तो उसके लिए भी दो बातें जाननी हमें जरूरी है कि स्वामी का नियंत्रण सेवक पर तब कहा जाएगा जब वह इतना कंट्रोल उस पे हो कि क्या काम करना है और काम कैसे करना है। ये दो बातें हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये दोनों बातें अगर कंट्रोल में रखता है तो वह व्यक्ति स्वामी होगा और जो उसके अधीन होगा वो उसका सेवक होगा। इसमें स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो संविदा होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सेवा की संविदा होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, ये सेवाओं के लिए संविदा नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस यानी कि सेवा की संविदा का मतलब ये है कि जिसमें नियोजक सेवक को न केवल यह आदेश दे सकता है कि क्या करना है बल्कि यह भी आदेश दे सकता है कि वह कार्य उसे किस प्रकार करना है। अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ इसमें कि नियोजन के दौरान कार्य करना कब कहा जाएगा। जब अपकृत्यपूर्ण कार्य स्वामी द्वारा प्राधिकृत हो या फिर प्राधिकृत कार्य वह
अनाधिकृत ढंग से कर दे, यानी कि एक पॉइंट तो ये है कि वो ऑथराइज्ड हो और सेकंड ऑथराइज्ड कार्य कर रहा है, लेकिन जो वो तरीका अपना रहा है वह अगर अनऑथराइज्ड है तो भी वह नियोजन के दौरान ही माना जाएगा। इसके संबंध में आपको एक मैं केस बताती हूँ, अनीता भंडारी का केस है, अनीता भंडारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये भी काफ़ी अच्छा केस है, स्वामी और सेवक के संबंध के जो प्रतिनिधि दायित्व उत्पन्न होता है। इस केस में क्या हुआ, एक बैंक के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है उसने एक बैंक के कस्टमर को ये समझ लिया कि वो बैंक लूट के जा रहा है, तो उसने उसे गोली मार दी और उसकी मृत्यु हो गई, उस ग्राहक की जो बैंक का कस्टमर था उसकी। तो इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड का काम था वह सेवा काल के दौरान यानी कि नियोजन के दौरान माना गया था और बैंक को इस प्रतिनिधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। एक और केस देखते हैं, इलक्यू वर्सेस सैमुअलसन का केस। इसमें क्या हुआ, लॉरी चालक ने एक दूसरे व्यक्ति को लॉरी चलाने के लिए अपनी दे दी और जो दूसरा व्यक्ति लॉरी चला रहा था उसने नेग्लिजेंस की और दुर्घटना हो गई। बाद में केस होने पे न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्वामी दाई है। किस लिए दाई है, क्योंकि उसने अन्य व्यक्ति को लॉरी चलाने के लिए दे दिया, यह उसका यह कार्य उपेक्षापूर्ण था क्योंकि उसने अन्य को लॉरी चलाने के लिए दे दी थी, इसलिए वह दाई है। और अन्य व्यक्ति ने उपेक्षा की उसके लिए नहीं दाई है, बल्कि उसे उपेक्षापूर्ण लॉरी चलाने के लिए दिए जाने के कारण उसे दाई ठहराया गया था। तो ये तो आपका हुआ स्वामी और सेवक का संबंध, कब दायित्व उत्पन्न होता है, कब सेवक कहा जाएगा, कब नियंत्रण कहा जाएगा, कब नियोजन के दौरान कहा जाएगा और कुछ केसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वामी के दायित्व की अवस्थाएं क्या है। मैं उसमें आपको 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी कि इन अवस्थाओं में सेवक काम करता है तो स्वामी दाई होगा, और उसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस है वो भी हम करेंगे और आगे हम करेंगे राज्य का क्या प्रतिनिधिक दायित्व होता है। थैंक यू।